इसका इल्जाम देना कि फैमिली ने इजाजत नहीं दी, ये जस्टिफाइड नहीं है। कोई भी इसको नहीं मानता, मीडिया वाले भी नहीं मानते इसको, कोई कोर्ट भी नहीं मानेगी इसको, कहीं भी इसको कोर्ट में ले जाया जाए। लॉ तो ये कहते हैं कि जो जिले का पुलिस अफसर होता है इंचार्ज, उसकी जिम्मेदारी पोस्टमार्टम करवाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और छह घंटे या चार घंटे क्यों इंतजार किया गया? जरदारी साहब ने तो आके पूछा गया ना उनसे, अगर उन्होंने उस वक्त मना किया है, वो कहते हैं कि मुझे तब पूछा गया, जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड है कि मुझे ये कहा गया कि भैया लड़का ना जाने के लिए तैयार है, तो आप बताएं पोस्टमार्टम करना है कि नहीं करना? तो कहा नहीं करना। हाँ मतलब ये दूसरी बात ये है कि जहां तक ये है, इसको बात की इन्होंने, उसको जो क्राइम सीन है उसको वॉश करने की, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा क्राइम कमिट किया गया और बहुत बड़ी कुछ चीज को छुपाने की कोशिश की गई है मेरे ख्याल में। और इस किताब को भी अगर तफसील से पढ़ें तो उससे भी यही बात आपको नजर आएगी। मैं किसी पे मैं ब्लेम गेम नहीं करना चाह रहा मैं, लेकिन ये है कि ये जो है व्यास साहब यहाँ पे यूके में रहते हैं, आप ये देख लें कि कहीं पे छोटा मोटा भी मसला हो तो कई कई दिन जो है पुलिस वहां पे वो जो है वो अलार्म ऑफ कर देती है, कार्डन ऑफ कर देती है, और जो है जब तक वहां से तमाम शवाहद इकट्ठे नहीं कर लिए जाते, फोरेंसिक नहीं हो जाता उसका, तो उसको जगह को नहीं खोला जाता। यहाँ पे देखें आपके सामने एक मर्डर हुआ इमरान फारूक साहब का, तो वहां पे चार दिन तक वो वहां पे वो इलाका बंद रहा है, हम जाते रहे हैं, नहीं पुलिस एक्सेस नहीं थी जब तक उन्होंने तमाम शवाहद इकट्ठे नहीं कर लिए, तमाम एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर ली, तब तक उन्होंने इलाके को नहीं खोला। तो ये अजीब नजर आया है कि उनको उस बेनजीर रीम, एक जो है हमारी लीडर के मर्डर की तहकीकात से ज्यादा उनको सड़क खोलने की फिक्र थी कि रोड को ट्रैफिक को बहाल कर दें। क्या क्या सिस्टम तरीफी है ये? सरदार साहब आपको क्या लगता है कि ये एक सोच का नाम है या ये एक इसी, अगर आप देखें जब बेनजीर पे कराची में हमला होता है फौरन उसी तरह वॉश आउट कर दिया जाता है उसको कि कोई प्रूफ ना रह जाए, सेम स्टोरी रिपीट की जाती है पिंडी में, ये एक पूरी सोच का नाम है या ये हादसाती तौर पे सारा कुछ हुआ है? ये हादसा नहीं है, ये बकायदा एक सोच है, एक सैडिज्म है, सारी कौम की साइकी बन गई है। आप देखते हैं कि आजकल वहां से कैसी खबरें आ रही, अजियत बच्चों को दी जा रही है, औरतों को दी जा रही है, मासूम लोगों को दी जा रही है, ऐसे ऐसे वाकयात आ रहे हैं वहां से जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इसी सोच के ताबे हुकूमतें होती हैं, हुकूमतों पर भी यही असर है, वो भी वही एलिमेंट तो वही है, फ्यूडल सोसाइटी है, वही उनकी असेंबली में आप देखें सारे कोई कानून नहीं बन रहा, गरीब तो पूरा सिस्टम एक सोच के तहत काम कर रहा है, लोगों के लिए कोई कानून नहीं बन रहा। आपका कहना है कि पूरा सिस्टम एक सोच के ताबे काम करता है? सिस्टम गल सड़ चुका है, तौफन हो फैल चुका है, तो सलाम फैल, मुशर्रफ गवर्नमेंट भी उसी सिस्टम का हिस्सा थी, बिल्कुल हिस्सा थी, उन्होंने भी उसमें उसमें कुछ ज्यादती की होगी, कमी नहीं की उन्होंने, उन्होंने कहां थे हमारे पाकिस्तान के जो असल हुक्मरान है उनका कहीं जिक्र मिलता है? उनके हुकूमत में अयूब खान की हुकूमत में जिक्र मिलता था, याह्या खान की हुकूमत जिक्र मिलता था, या जियाउल हक साहब जो कुछ कर रहे थे वो उसमें वो जिक्र मिलता था? मुशर्रफ साहब ऑफकोर्स, मुशर्रफ साहब वाज नो बेटर, लेकिन उनका तो कहना है, मैं पिछले वीक उनसे मिले थे तो वो कह रहे हैं कि जो मिलिट्री जो जनरल टेक ओवर करते हैं वो इसलिए करते हैं कि सिविल गवर्नमेंट्स जो होती हैं फेल हो चुकी होती हैं, मुल्क डूबने वाला होता है, तो वो आके बचाते हैं उसको। ये भी एक मेरे ख्याल में एक यानी गलत जस्टिफिकेशन है, झूठ बोलने वाले ये कहते हैं और जो खुद वो झूठ बोलते हैं उसका कोई रिकॉर्ड रखते हैं? उन्होंने कहा कि बेनजीर नहीं आएगी, बेनजीर आई, नवाज शरीफ नहीं आएंगे, नवाज शरीफ आए, एनआरओ देने का उसको कैसे हक था? पैसे कौम के हैं, 18 करोड़ अवाम की दौलत है और माफ आप कर रहे हैं, इसे कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? वो लोग जिनके पास रोटी भी नहीं है खाने को, और नवाबी का ये हाल है कि वो सारे सब कुछ माफ हो रहे हैं।
आज आपके प्राइम मिनिस्टर साहब के ब्लॉक काबा ने जो कहते हैं मैं बड़ा ऑनेस्ट हूं, 3 अरब रुपए का उन्होंने एक प्रोजेक्ट उन्होंने आज इंट्रोड्यूस करवाया है जिसमें वो एक सुरंग निकाली जाएगी अपना और एक लग्जरी उनके फ्लैट्स बनेंगे एमपी एमएनए के। तो आप अंदाजा करें बेसी की इंतहा है, बेसी की। और मैं समझता हूं कि इससे बद मजाकी और कौम के साथ क्या हो सकती है जी। रियाज साहब क्यों पैसे माफ कर दिए मुशर्रफ साहब ने, कौम के पैसे? पीछे जितने भी हुकूमतें आई अगर आप उनके मुआवजना करें फाइनेंस सेक्टर में 90 अरब रुपए से कभी नहीं बढ़े जो जो एक्सपेंडिचर होते हैं लोगों के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, सेक्टर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। जो मुशर्रफ साहब आए उन्होंने उस 90 अरब से कभी नहीं बढ़ा। मुशर्रफ साहब ने आकर उसको 1 ट्रिलियन कर दिया था। जब आखिरी दिनों में 4 ट्रिलियन की बात हो रही थी, पाकिस्तान इतनी तेजी से तरक्की कर रहा था, हाइस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हाइस्ट एक्सपोर्ट, और बाहर की इतनी मल्टीनेशनल कंपनी आके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो वो एक ऐसा वक्त आया, इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी लोगों को, उन्होंने गुर्बत हाफ कर दी थी पाकिस्तान की। 34% गुर्बत थी पाकिस्तान में 1999-2000 में, जब मुशर्रफ साहब 2007 में इसकी गुर्बत 17.2% यानी कि 50% पाकिस्तान की गुर्बत खत्म कर दी थी। मुशर्रफ साहब ने सोचा कि चलो सबको साथ लेकर चले, उन्होंने बेनजी से मुआहदा किया कि चलो भाई आप भी आए सियासत में ताकि फौजी मुदाखलत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो और लोग सिविलियन के तौर पे एक पाकिस्तान ट्रैक पे आ चुका है। ये जो इतने दूध की तरफ इतनी दूध की नहरें बह रही थी उस वक्त, बिल्कुल मुशर्रफ साहब का, मुशर्रफ साहब का अपना विजन था। एब्सोल्युटली वही आज अभी भी वही यही कह रहे हैं। अगर उनका अगर हमारा ऑनेस्टी साहब अगर इतना बड़ा उनका विजन है कि वो डूबते मुल्क को बचा लेते हैं, आजकल वो लेक्चर भी दे रहे हैं, यूके में भी वो बेस हैं, तो इस गवर्नमेंट को कोई मशवरा दे दें कम से कम, ये भी इसकी इकोनॉमी बैठती जा रही है। सबसे बड़ी चीज ये है आप देखें कि इन्होंने जिस वक्त मुल्क संभाला, जिस तरह अभी सदा साहब ने कहा कि और जो आपने कंफर्म की कि हमेशा फौजी उसी वक्त आए, मैंने कंफर्म नहीं की, मैंने कहा उनके उनके जब वो आए उसी वक्त आए, कंफर्मेशन नहीं है इसमें, अयूब खान उसी वक्त आए जब सिविलियन कंप्लीटली फेल हो चुकी। आप देख लें जिस वक्त शरीफ साहब की हुकूमत थी $300 मिलियन रह गए थे रिजर्व मुल्क में, लिटरली बैंकक्रप्ट था। ये फरमाइएगा कि सिविलियन सिस्टम फेल हो जाता है तो फौजी अमर आते हैं नेचुरली। अब मुशर्रफ साहब खुद एक सिविलियन के तौर पर